नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से पहले बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा राखी सावंत का महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। राखी सावंत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए तड़प रही हूं। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी का शिवसेना के साथ सरकार बनाने का फैसला सही है या फिर नहीं, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन से आज सरकार बनने जा रही है, जिसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज शाम 6:40 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही बॉलीवुड के कई कलाकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच हमेशा से चर्चाओं में बनी रहने वाली बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा राखी सावंत ने भी अपना बड़ा रिएक्शन दिया है और पूरी तरह से राखी सावंत ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के डीएनए में राजनीति है और महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आने से आतंक भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री के लिए तड़प रही हूं। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं हूं आपकी अपनी राखी सावंत, महाराष्ट्र के सीएम के लिए मैं बहुत तड़प रही हूं और मेरा दिल कहता है, मैं ईश्वर से रोज प्रार्थना करती हूं कि उद्धव ठाकरे जी ही मुंबई के सीएम बने, पवार साहब और उद्धव ठाकरे जी और हाँ ये लोग मिलके एक सरकार बनाए। अगर उद्धव ठाकरे जी सीएम बनते हैं तो मराठियों के लिए और जितने भी अन्य जातियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं और हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे दिल की ख्वाहिश है, मैं डे वन से कह रही हूँ कि उद्धव ठाकरे जी ही मुंबई के सीएम बने, बिकॉज उनके डीएनए में राजनीति है और शिवसेना जब आ जाएगी तो कोई भी आतंक नहीं होगा। पवार साहब ने जो भी अच्छे अच्छे डिसीजन लिए बहुत अच्छा किया। जैसा कि आपने वीडियो देखा, शिवसेना और महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा समर्थन किया है। साथ ही महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर राखी सावंत का कहना है कि यह सबसे अच्छा निर्णय है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की ओर से पहली बार कोई सदस्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे आज शाम 6:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के संयुक्त नेता के रूप में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उनके साथ तीनों ही पार्टियों के दो दो नेता भी शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि शिवसेना की ओर से सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं एनसीपी के तरफ से जयंत पाटिल और छगन भुजबल और कांग्रेस की ओर से बाला साहब थोराट और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण शपथ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि 3 दिसंबर को बहुमत साबित करने के बाद आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। साथ ही उनका कहना है कि कांग्रेस का स्पीकर होगा और डिप्टी सीएम और डिप्टी स्पीकर एनसीपी से होंगे। आपको बता दें कि शिवाजी पार्क में यानी शिवाजी स्टेडियम में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं और नेताओं का मुंबई के शिवाजी मैदान में जुटना शुरू हो गया है। तो वहीं अभी चर्चा है कि एनसीपी के नेता अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस सवाल पर शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि मुझे नहीं पता कि एनसीपी का मामला है। उनका कहना है कि शरद पवार महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेता है, डिप्टी सीएम अजीत पवार को या उनकी पार्टी में किसी को क्या पद मिलेगा यह उनके द्वारा तय किया जाएगा। तो वहीं इसी बीच यह भी बड़ी खबर सामने आई है कि उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा। बताया जा रहा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, जिस पर पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को शुभकामनाएं दी थी। लेकिन बाद में यह खबर सामने आई कि पीएम मोदी के अलावा भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भेजा गया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कल शाम दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए न्योता दिया था। हालांकि सोनिया गांधी के आने पर सस्पेंस बना हुआ है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाए हुए हैं। दिल्ली में जब राहुल गांधी से शपथ ग्रहण समारोह
अखबारों में जाने के सवाल पर पूछा गया तो उनका कहना है कि कुछ चीजों पर सस्पेंस बना रहने दीजिए। हालांकि खबर ऐसी भी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ ये भी खबर है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन अब खबर ऐसी आ रही है कि ममता बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी। हालांकि उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और अन्य दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं।